आईपीएल 2024 में आज यानी 6 अप्रैल 19वें मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान ने इस सीजन अब तक 3 मैच खेले और उन्होंने तीनों में जीत दर्ज की है, जबकि बेंगलुरु ने 4 मैच खेले लेकिन उनको सिर्फ एक में ही जीत नसीब हुई है। ऐसे में दोनों के बीच यह भिड़ंत काफी दिलचस्प हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और प्रिडिक्शन क्या होगी। पहले आपको बता दें कि पिछली बार दोनों टीमें सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2023 के आईपीएल में आमने सामने आई थी, जिसमें बेंगलुरु ने राजस्थान को सिर्फ 59 रनों पर ऑल आउट कर 112 रनों से जीत दर्ज की थी। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच ऑफर करता है। T20 क्रिकेट में यह बैटर्स का बोलबाला होता है। हालांकि गेंदबाजों को यहां थोड़ी बहुत मदद मिलती है लेकिन बल्लेबाज हावी रहते हैं। राजस्थान ने यहां इस सीजन अब तक 2 मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है। दोनों ही हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं। ऐसे में आज भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें मैच प्रिडिक्शन की तो इस सीजन अब तक राजस्थान की टीम बेहद ही शानदार लय में दिखी है और दूसरी तरफ बेंगलुरु खस्ता हालत में नजर आई है। ऐसे में हमारा प्रिडिक्शन मीटर यही कहता है कि आज राजस्थान जीत की प्रबल दावेदार होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मैच से आरसीबी वापसी कर पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमारे चैनल में पोल पर अपना सुझाव दे सकते हैं। अब बात करें राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 में, तो इसमें खेलेंगे जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, नांदे बर्गर, आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शुभम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से संभावित प्लेइंग 11, इसमें विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मैंग डागर, रीश टापले, मोहम्मद सिराज, यश दयाल एवं इंपैक्ट प्लेयर में महिपाल लोमरोर खेलते हुए नजर आएंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।